বেঙ্গল জি নিউজ খবরের জন্য সবার আগে খবর দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সবার আগে সব খবর পেতে প্রথমে লাল বাটন সাবস্ক্রাইবটি চাপ দিন, পরে বেল আইকনটি চাপ দিন, একটি লাইক দিন, তারপর শেয়ার করে দিন। ডক্টর লক্ষ্মণজি, রাষ্ট্রীয় মহামন্ত্রী আর মেরে বরিষ্ঠ সহযোগী সম্মানীয় মুরলীধর রাও জি, ভারত সরকার মেয়ে গৃহ রাজ্য মন্ত্রী ভাই কিশন রেড্ডি জি, হমারে প্রদেশ কে প্রভারী আর কেরল কে নেতা ভাই কৃষ্ণ দাস জি, হমারে রাজ্যসভা মে সাংসদ আর মেরে সহযোগী আর আজ কে কার্যক্রম কে রচয়িতা শ্রী মোহন রাও জি, শ্রী ওয়াই এস চৌধুরী জি সাংসদ রাজ্যসভা মে, হমারে সহযোগী সিএম রমেশ জি পূর্ব মে সাংসদ রে আর হমারে বরিষ্ঠ সহযোগী জিতেন্দ্র রেড্ডি জি, ভাই বিবেক জি পূর্ব সাংসদ, হমারে বরিষ্ঠ নেতা আর হমারে সহযোগী শ্রী ইন্দ্র সেন রেড্ডি জি, হমারে সিনিয়র লিডার ডি কে অরুণ জি, শ্রী পেড্ডি রেড্ডি জি, হমারে সাংসদ বন্দি সঞ্জয় জি, শ্রী অরবিন্দ জি, শ্রী বাবুরাও জি, রাষ্ট্রীয় সচিব শ্রী সত্যকুমার জি, সুধাকর রেড্ডি জি হমারে বরিষ্ঠ নেতা আর হমারে এমএলসি রামচন্দ্র রাও জি, সম্মানিত মঞ্চ সুধাকর রাও জি, হমারে সম্মানিত মঞ্চ আর ইহা হমারে বরিষ্ঠ সহযোগী আর হমারে নেতা আদরণীয় নেতা পূর্ব মে ভারত সরকার মে মন্ত্রী রে বন্দারু দত্তাত্রেয় জি, সম্মানিত মঞ্চ আর ইহা উপস্থিত ইতনি বড়ি সংখ্যা মে আয়ে হুয়ে হমারে সভি বরিষ্ঠ কার্যকর্তা বন্ধু আর বহুত সে নয় কার্যকর্তা জিনোনে পার্টি জয়েন কি হ্যায়, আপ সবকা বহুত বহুত অভিনন্দন আর আপ সবকা স্বাগত। নেনু বিজেপি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট అయ్యక మొదటి సారి దక్షిణ భారతానికి ముఖ ద్వారా సేన తెలంగాణకు రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నది. మీ అందరి ఆశీర్వాదం మన పార్టీకి ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది అని నాకు విశ్వాసం ఉంది. మిత్రో, సబ్సే పహలే तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे बासर सरस्वती मंदिर जहां दर्शन करने का मौका मिलता है, ऐसी पुण्य भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि यादगिरी नरसिम्हा मंदिर का आशीर्वाद जहां मिलता है, वैसी पुण्य भूमि पर मुझे आने का मौका मिला है. मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि जहां भगवत के लेखक रचयिता बमेरा पोतना जहां जन्मे और जहां बड़े और जिनका योगदान हुआ, ऐसी पवित्र धरती पर मुझे आने का मौका मिला है. मैं आदिवासी देवियां समक्का और सारलक्का जहां उनका आशीर्वाद मिलता है, ऐसी पवित्र भूमि पर आने का मौका मिला है. जहां स्वतंत्रता सेनानी कोमरम भीम ने देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया, ऐसी धरती पर आने का मुझे और सौभाग्य मिला है. और जो कृष्णा और गोदावरी के बीच में बसा हुआ तेलंगाना है, ऐसी पवित्र नगरी में मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं. लेकिन साथ ही साथ मैं उस वीर भूमि में आया हूं जिन्होंने रजाकारों के खिलाफ लड़ाई लड़के 40,000 से ज्यादा भी जाने देकर निजाम के नापाक इरादों को दूर किया और उनके
लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज अगर हम लोग सरदार पटेल को याद करें तो ये बहुत ही उचित होगा, जिन्होंने निजाम के नापाक इरादों को ध्वस्त करने में अपना योगदान दिया और उसके साथ साथ आप लोगों ने जो पूरे दो ढाई साल जो रजाकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी धरती पर और जिस तरीके से देश को एकत्रित रखने के लिए अपना योगदान किया, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना की भूमि को नतमस्तक करता है और इस लड़ाई के लिए उनको धन्यवाद देता है। और जहां हम सरदार पटेल को याद कर रहे हैं, वहीं आज उनकी आत्मा को कितनी शांति मिलती होगी जब मोदी जी ने और अमित शाह ने धारा 370 समाप्त कर दी है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जम्मू कश्मीर के और देश के इंटरेस्ट में, जम्मू कश्मीर और देश को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता करते हुए जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जिस प्रयोजन को उन्होंने किया है, उसके लिए आज हम आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और घाटी के लोगों को मुख्य धारा के साथ विकास में जुड़ने का जो मौका मिलेगा उसके लिए पार्टी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जो संसद में सबने साथ दिया उनका भी धन्यवाद करते हैं। मित्रों, मैं धन्यवादी हूँ मोहन राव जी का, मैं धन्यवादी हूँ सुधाकर रेड्डी जी का, मैं सभी उन लोगों का धन्यवादी हूँ, रमेश जी का, वाई एस चौधरी, सुखना चौधरी जी का, जिन्होंने समय की आवाज को समझकर मोदी जी के नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ आत्मसात किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ उनके साथ आए हुए ये जो हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने आप को शामिल किया है। ये छोटी घटना नहीं है, कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए सोच विचार करके आए, ये एक बहुत बड़ी घटना है। यह एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में समझा रही है कि आज देश में देश को आगे ले जाने के लिए कोई अगर नेतृत्व है तो वह नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, और कोई आज पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है, दिशा दे सकती है, दृष्टि दे सकती है, तो वो अमित शाह के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए आज जब हमारे सभी साथियों ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका धन्यवाद भी करते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके सभी इरादों को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, उसके साथ आत्मसात करके हम तीव्र गति से आगे चलेंगे और उसमें उनका पूरा सहयोग और पूरा मान सम्मान रख करके सबको आगे ले चलेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं। यह पार्टी 2300 पार्टियां हैं देश में, 50 नेशनल पार्टियां हैं, 7 रीजनल पार्टियां हैं जो रिकॉग्नाइज हुई है इलेक्शन कमीशन से। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिस पार्टी के अंदर प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव होता है और चुनाव के माध्यम से कोई साधारण परिवार के से भी आता हुआ नरेंद्र मोदी जैसा कार्यकर्ता भी भारत का प्रधानमंत्री बनता है और अमित शाह जैसा भारत के भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। बाकी किसी पार्टी में भी ये नहीं है। हर में वंशवाद है, मैं मेरे बाद मेरा बेटा, मैं मेरे बाद मेरी बेटी, और कोई नहीं। पार्टी रहेगी तो अब कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष का चुनाव करते करते फिर वापस सोनिया,
यहां किसी को कोई दिखता ही नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। आपको जान करके खुशी होगी, आप लोगों ने 11 लाख से ज्यादा सदस्यता कर ली है। 20 तारीख के बाद चुनाव शुरू होगा, सितंबर महीने में बूथ का चुनाव होगा और बूथ का भारतीय जनता पार्टी के 8 लाख बूथ पर चुनाव होगा, 8 लाख सितंबर महीने में। अक्टूबर महीने में मंडल का चुनाव होगा, नवंबर महीने में जिले का चुनाव होगा, दिसंबर 15 तक भारत के सभी राज्यों का चुनाव हो जाएगा और दिसंबर 31 से पहले भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। यह है भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के आज 11 करोड़ सदस्य हैं और 9 करोड़ 3 करोड़ 7 लाख 70 लाख बन चुके हैं, 4 करोड़ और बनने हैं, लगभग 17 करोड़ के पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजातांत्रिक ढंग से चुनती है, प्रदेश का अध्यक्ष प्रजातांत्रिक ढंग से चुनती है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, इस पार्टी के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में 70 दिनों के अंदर ऐतिहासिक कार्य हुए। ये धारा 370 हम बचपन से सुनते आए थे। सरदार पटेल ने 536 से भी ज्यादा राज्यों को जोड़ लिया था, एक राज्य छोड़ा था नेहरू जी के नाम पर और वही राज्य मुसीबत में पड़ा और धारा 370 आकर के हमारे सामने खड़ा हुआ। इस धारा 370 को हम हटाना चाहते, सारा देश चाहता था, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने मई महीने में कहा था, निर्णायक नेतृत्व मोदी है तो मुमकिन है, और यह उन्होंने करके दिखा दिया कि मोदी है और शाह है तो मुमकिन है। यह बात हम लोगों ने स्पष्ट देखी। आज जो धारा 370 के बारे में ये कहते हैं और इसका विरोध करते हैं, विशेष करके कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहती है, और जब नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, और जब हम बचपन से हम लोग सब कोई बोलते थे एक देश में दो निशान दो विधान दो संविधान नहीं चलेंगे, उसको मोदी जी ने साकार कर दिया, एक देश में एक विधान एक निशान एक प्रधान, यह साबित करके दिखा दिया और यह मोदी जी ने करके दिखा दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? कहती है ये टेम्परेरी था। अगर 370 इतना ही अच्छा था तो आपने इसको परमानेंट क्यों नहीं कर दिया? आपके पास तो 400 से ज्यादा एमपी रहे एक समय में, आपने परमानेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि अंदर से आप भी जानते हैं कि धारा 370 देश के पक्ष का नहीं है, लेकिन वोट की राजनीति के कारण आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट आपके लिए देश से ऊपर है। यह बात कांग्रेस पार्टी को समझनी होगी, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब कांग्रेस पार्टी के लोग आपके सामने आए तो मुंह तोड़ जवाब दो, उनको जवाब दो और उनसे पूछो कि तुमने देश के हित में जब बिल आया था धारा 370 का एब्रोगेट करने का, तो तुम दूसरी तरफ क्यों खड़े दिखाई दिए? ये उनसे पूछो। जो खुद टेम्पररी रखते थे उन्होंने इसका विरोध क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उनके लिए राजनीति सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि नहीं है, देश की चिंता नहीं है। वहां हमारे ऐसी भाइयों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, वहां ट्राइबल्स को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, वहां जो पश्चिम पाकिस्तान से जो नया उस समय बना था, वहां से पार्टीशन के बाद जो भारत आए, जो हैदराबाद में आए, इस देश में दो प्रधानमंत्री वो बने हैं जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, मिस्टर गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन जो लोग
हैदराबाद आए वो तो नेता बन सके, वो तो काउंसलर बने, एमएलए बने, एमपी बने, एमएलसी बने, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में बस गए उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं मिला, काउंसलर बनने का भी अधिकार नहीं मिला धारा 370 के तहत। ये था धारा 370, ट्राइबल्स को अधिकार नहीं। अब ये परिसीमन होगा, अब ट्राइबल सीटें भी होंगी, एससी सीटें भी होंगी, दलित भाइयों के लिए भी सीटें होंगी, इस तरीके का विचार बने। दूसरा विषय था ट्रिपल तलाक का। ये हमारा समाज अपनी कुरीतियों से शुरू से लड़ता रहा। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई बाहर से नहीं आया था, हम ही लोगों ने सती प्रथा समाप्त की थी, हमारे ही नेताओं ने सती प्रथा समाप्त की थी। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कोई बाहर से नहीं आया था, हमारे ही समाज ने तय करके अपने कानून के माध्यम से इसको समाप्त किया। दहेज प्रथा को हम लोगों ने अपने कानून से समाप्त किया, और बड़े लंबे समय से ये कुरीति चली आई थी ट्रिपल तलाक की, उसको भी मोदी जी के सरकार ने सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया, और हमारी बहनों को, मुस्लिम बहनों को इज्जत के साथ जीने का अधिकार दिया, ताकत दी, समर्थन दिया, इसको हमको समझना चाहिए। इस तरीके के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है। मित्रों, इसी 70 दिनों के अंदर लगभग 58 कानून ऐसे थे जिनको डिफंक कर दिया। पिछले 5 साल में मोदी जी ने 1483 कानून निरस्त किए थे, अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून थे, और ये 75 दिनों में 58 कानूनों को निरस्त कर दिया गया, ताकि जनता को उसका अधिकार मिल सके और जनता अपनी ताकत के साथ खड़े हो सके, और सरकार का अभाव प्रभाव रहे, सरकार अपने काम को करे, लेकिन सरकार का उसके ऊपर असर, वो कोई कॉमन आदमी उससे तंग ना हो, इस बात की चिंता की गई। इसलिए मित्रों, बहुत से ऐसे कार्य हुए, और आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम $5 trillion इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, $5 trillion इकोनॉमी। और ये $5 trillion इकोनॉमी के लिए पिछली सरकार में मोदी जी ने, जहां हम एक नियरली $2 trillion की इकोनॉमी थी, उसको $3 trillion की इकोनॉमी तक पहुंचाया, अब हम $5 trillion की इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर हुए। यही नहीं, जल शक्ति मिशन के द्वारा, जल जीवन मिशन के द्वारा 2022 तक, जब देश अपनी 75 साल की आज़ादी मना रहा होगा, तो उस 75 साल की आज़ादी में हर व्यक्ति को साफ पीने का पानी मिल सके, ये जल जीवन मिशन को हम लोगों ने हाथ में लिया है, आदरणीय मोदी जी ने हाथ में लिया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन, इसके माध्यम से लगभग 3 करोड़ रिटेलर्स को 60 साल की आयु के बाद 3000 की पेंशन मिलने का काम होगा। उसी तरीके से पीएम किसान जो फार्मर्स के लिए है, जो 6000 रुपए प्रति साल देने का तय किया था, अब वह 14 करोड़ बेनिफिशियरीज को दिया जाएगा, यानी सारे किसानों तक इसको पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, इस तरीके का योजना बनाई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस देश में कोई भी गरीब आदमी पक्की छत से बगैर नहीं रहेगा, उसको पक्का मकान मिलेगा, 2 कमरों का मकान मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, किचन मिलेगा, गैस का कनेक्शन मिलेगा, और शुद्ध पानी पीने का मिलेगा। ये व्यवस्था 2 करोड़ से अधिक लोगों के लिए की गई है। नारी तू नारायणी ने इसी 75 दिनों के अंदर हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला को एक एक को 5000 रुपए का ओवरड्राफ्ट मिलेगा, और हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1 लाख रुपए का अपने हेल्प ग्रुप को बढ़ाने के लिए ओवरड्राफ्ट की प्रावधान किया गया है। इस तरीके से महिला शक्ति को जोड़ने का प्रयास हुआ है, महिला शक्ति को आगे लाने का प्रयास हुआ है। लेबर रिफॉर्म्स हम लोगों ने कानून ला करके लेबर रिफॉर्म्स किए हैं,
44 कानून को समाप्त करके 4 कानून बनाए हैं, और 4 कानून में जो व्यक्ति जिस तरीके का काम करेगा उसको ऑक्यूपेशन के दृष्टि से उसी तरीके का मिलेगा। और मिनिमम वेजेस अब कोई प्रदेश सरकार तय नहीं करेगी, भारत सरकार तय करेगी, और हर प्रदेश सरकार को उसको लागू करना पड़ेगा। इस तरीके की व्यवस्था की गई, इसलिए लेबर के कानून के तहत एक बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव तरीके से काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का कार्यक्रम दिया, दुनिया में सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज। 10,74,00,000 परिवार, 5,00,000 रुपए का सालाना कवरेज, 55 करोड़ लोगों को ये सुविधा। 55 करोड़ लोगों का मतलब होता है सारी अमेरिका की जनता, सारी मेक्सिको की जनता और सारी कनाडा की जनता, इस सबको मिला ले तो आयुष्मान भारत बनता है भारत का, इसको समझना चाहिए। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, और लगभग 37,00,000 लोगों ने दिसंबर 23 से इसको लागू किया है, और दिसंबर 23 से 37,00,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया है, और लगभग इसमें अभी तक 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। हर एक तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है, मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया, भारत का स्थान पीछे होता था, एकदम पीछे, आई आता भी पीछे है, ABCD से शुरू करो तो आई इंडिया पीछे जाकर। लेकिन जब मैं 2018 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया तो डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के, उसने मंच से कहा, मिस्टर नड्डा कम फॉरवर्ड एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट इज आयुष्मान भारत, वर्ल्ड शुड नो व्हाट इज मोदी एंड व्हाट इज आयुष्मान भारत। ये है फर्क भारत का, ये है काम जिसको करने का हम लोगों ने तय किया। और इसके साथ साथ अभी अगर हम पार्टी की बात करें तो ये ठीक है, अमित शाह जी के नेतृत्व में 17 राज्यों में हमारी सरकार आई है, लेकिन अमित शाह जी कहते हैं कि पार्टी ने अभी और अच्छे दिन देखने हैं और आगे बढ़ना है, 17 से 25-26 तक जाना है, और इसको जाने के लिए तेलंगाना भी भाजपा युक्त होना है, इसके लिए हमको काम करना है और इसके लिए हम काम में जुटे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां भी तेलंगाना में 26,00,000 परिवार हैं जिनको आयुष्मान भारत का मिलना था, 26,00,000 परिवार। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जो व्यवहार से शहंशाह हैं, जिनका विचार मैं और मेरा परिवार, बाकी सब साफ, ऐसे लोगों का इनको तेलंगाना की जनता से कोई लेना देना नहीं है, कोई सारोकार नहीं है। 36,00,000 परिवार, 26,00,000 परिवार आयुष्मान भारत में 5,00,000 रुपए के हेल्थ कवरेज के लिए हकदार हैं, लेकिन इन्होंने आयुष्मान भारत तेलंगाना में नहीं लागू किया क्योंकि इनको मोदी नहीं चाहिए, इनको अपना और अपना परिवार चाहिए, यही लेकर के ये चले हैं। और छोड़ो, मेरी बात तो छोड़ दो, आयुष्मान भारत, आरोग्य श्री का क्या हो रहा है? 14,000 करोड़ रुपए देने बाकी है, 1,400 करोड़ रुपए देने बाकी है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस स्ट्राइक पर है, कोई काम नहीं चल रहा, ये इनका स्वास्थ्य का नजरिया है। और यहां जितेंद्र रेड्डी जी बैठे हैं, ये बताएंगे कि जब हमारे तेलंगाना के लोग आए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आए और आपने कहा कि तेलंगाना को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चाहिए, कानून में नहीं था, अभी मिलना बाकी था, प्रधानमंत्री जी ने कहा, और आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बीमार हैं, उन्होंने कहा नड्डा इनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देना है, तेलंगाना को दे करके रहो।
उसकी व्यवस्था करो, और हमने कैबिनेट में पास करके दिया। ये हमारा देने का मन है, लेकिन इनका लेने का मन नहीं है। हमारा देने का मन है, इनका लेने का मन नहीं है। आयुष्मान भारत हम देना चाहते हैं, ये लेना नहीं चाहते। और इनका जो कटोरा है उसमें बीच में छेद है, कमीशन वाला छेद है, ऊपर से डालो तो नीचे कमीशन में चला जाता है। ये है इनकी सरकार। मैं व्यक्तिगत रूप में कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन आजकल मैंने सुना है कि सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। वो वास्तु समझ नहीं आ रहा है। वास्तु तो 2022 में समझा दिया जाएगा, ये पक्का, ये पक्का। वास्तु नहीं समझ में आ रहा है। 35 साल पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। ये ऑटोक्रेटिक सरकार नहीं है तो और क्या है? ये प्रजातांत्रिक सरकार है। मुझे बताया गया कि कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं। कैबिनेट की बात करो तो कैबिनेट में हमारी महिला शक्ति नदारद, ये छोटी घटना नहीं है, ये व्यक्ति के मानसिक नजरियेपन का विचार है। आज हमारा एससी रिप्रेजेंटेशन नहीं है कैबिनेट में। सरकार घर से चल रही है, सेक्रेटेरिएट से नहीं चल रही है। प्रोजेक्टों को रोका जा रहा है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.21 लाख हाउसेस के लिए हम लोगों ने अप्रूवल दिया, ये सिर्फ 80,000 बना सके। और जो अपना टू रूम बेड था तो वो तो रह गया, टू रूम बेड का सपना, वो तो पूरा होने नहीं दिया। अगर हम बात करें करप्शन की, तो अगर हम कालेश्वर इरिगेशन प्रोजेक्ट को ले, कालेश्वरम को इरिगेशन प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ में बनने वाला था, इसके प्राइस को बढ़ा के 80,000 करोड़ कर दिया गया। 45 लाख हेक्टेयर भूमि को सींचना था, एक इंच भी भूमि सींची नहीं गई, और प्रोजेक्ट कमीशन हो गया। अब ये कालेश्वरम कितना सुंदर नाम, कितना पवित्र नाम, और कितना इनका गंदा काम। कालेश्वरम कोई बदनाम कर रहे, कितना पवित्र नाम और इनका कितना गंदा काम। आप सोचो, आप सोचिए कि जो लाखों किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा है। एक तो 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 80,000 करोड़ पे पहुंचाया, और 80,000 करोड़ में पहुंचा करके भी भूमि सिंचित नहीं हुई है, इस तरीके की परिस्थिति ला करके इन्होंने खड़ा किया। इन्होंने टैंक्स की सफाई करनी थी, टैंक्स की, ककातिया प्रोजेक्ट, मिशन ककातिया, मिशन ककातिया मिशन, और इसमें टैंक्स की सफाई करनी थी। इन्होंने ऐसी सफाई की कि टैंक तो टैंक, सफाई का सफाई हो गई। ऐसी सफाई की, मिशन क्या था? मिशन फॉर कमीशन, नॉट फॉर ककाटी। ये इनका काम था, मिशन भागीरथा। अब ये मिशन भी बड़े जोर जोर से लिए। भागीरथ भगवान ने तो गंगा ऊपर से धरती तक पहुंचा दिया, लेकिन आपके शहंशाह ने उसको जमीन पर आने के बाद जनता तक पहुंचाया नहीं है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए, यह भी हमारे ध्यान में रखना चाहिए। हरिता हरम, ये भी प्रोजेक्ट लिया गया। इसमें कहा गया कि 35 करोड़ से ज्यादा प्लांटेशन होगी, हरा हरा रहेगा। अब वो हरिता हरम का तो पता नहीं हरियाली कितनी हुई, लेकिन जमीन गर्म बहुत हो गई, जलवायु गर्म बहुत हो गई। पेड़ नाम की चीज नहीं, कोई देखने को नहीं मिलता, और कोई ऑडिट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये आपकी सरकार चल रही है, ये हमको ध्यान में रखना है। हमारे यहाँ कहा जाता है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आपके यहाँ कहते हैं कहना कुछ और करना कुछ, उसको आप कहते हैं चेपदी ओकटी चेसदी इनकोटी।
कहना कुछ और करना कुछ। मैं कोशिश कर रहा हूँ तेलुगु में आपको इन सब बातों को बताने की। यही सरकार थी ना जिसने कहा था कि अगर तेलंगाना बनेगा तो दलित मुख्यमंत्री होगा। यही सरकार थी ना जिसने कहा था कि अगर तेलंगाना बनेगा तो आदिवासी मुख्यमंत्री होगा। आज क्या है? आज मैं और मेरे बाद मेरा परिवार, बाकी सब जाओ छुट्टी, कोई काम। ये परिवारवाद चल रहा है, इसको हमको समझना चाहिए। इन्होंने कहा था कि हम वादा किया था कि हम हर दो घर देंगे और दो कमरों का मकान, टू बेडरूम। आज वो सारे का धरा पड़ा हुआ है, कोई स्कीम नहीं चल रही। भ्रष्टाचार युक्त सरकार, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार है। और मित्रों, जो भारत सरकार के एक तो प्रोजेक्ट को लागू नहीं कर रहे और भारत सरकार से जो पैसा आ रहा है वो जमीन पर नहीं लगा रहे हैं, ये इनकी स्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए ऐसी सरकार को हमारे अंग्रेजी में कहा जाता है लॉक स्टॉक एंड बैरल। पूरे लॉक स्टॉक एंड बैरल के साथ इनको चलता करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बने इसकी हमको काम में जुटना चाहिए। इसके लिए हमको काम में जुटना चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम आप सबके सपोर्ट से एक अच्छी मजबूत पार्टी नीचे जमीन पर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, सभी लोगों को साथ लेकर। और आप देख रहे होंगे कि तेलुगु देशम से, कांग्रेस पार्टी से लोग, टीडीपी से, टीआरएस से भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वहां घुटन हो रही है, घुटन क्यों हो रही है? क्योंकि प्रजातांत्रिक पार्टी ही नहीं है। मेरी सुनो नहीं तो जाओ, मेरी मानो नहीं तो जाओ। आज इन सब चीजों से आपको निजात दिलाने के लिए हम सब लोग मिलकर, चाहे वो टीआरएस में जो लोग थे भारतीय जनता पार्टी में आए, जो टीडीपी के लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए, और जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में आए, इस आह्वान के साथ मैं विश्वास दिलाता हूं कि सबको मिलकर लेकर चलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में हम बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की सेवा में पूरे तत्परता के साथ लगेगी और हम तस्वीर और तकदीर तेलंगाना की आप लोगों के माध्यम से बदलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना। धन्यवाद। इब्राहिम नड्डा जी मोहन राव को खंडवत सम्मानित। अब नड्डा जी से अनुरोध करता हूँ, मोहन राव जी को सम्मान करेंगे। अब जगन नायक माजी मिनिस्टर, उनको भी कर। अरे उंडो भाई, उंडो इधर उंडो। अरे उंडो उंडो उंडो। రామమూర్తి గారు తీసుకున్నారా లిస్ట్ ప్రకారం? అందరూ ఒకసారి నెట్టుకొస్తే బాగా దీపక మైక్లో చెప్పండి, మైక్లో చెప్పండి. ఈగ మల్లేశం
సామ రంగారెడ్డి గారికి నడ్డా గారు ఈగ మల్లేశం ఈగ మల్లేశం నరోత్తం రెడ్డి చెప్పి అంటే స్పీచ్ ఒక్కటే కాపీ మెయిన్ స్పీచ్ నరోత్తం బలరామ్ పుల్లారావు అరే ఎందుకు నేర్చుకున్నారయ్యా ఎందుకు కోనేర్చింది కోనేర్చింది శేఖర్ ఎర్ర శేఖర్ బాబయ్య పదయ్య బండారి శోభారాణి বেঙ্গল জি নিউজ খবরের জন্য সবার আগে খবর দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সবার আগে সব খবর পেতে প্রথমে লাল বাটন সাবস্ক্রাইবটি চাপ দিন, পরে বেল আইকনটি চাপ দিন, একটি লাইক দিন, তারপর শেয়ার করে দিন।